आठ पुलिसकर्मियों के हत्याकांड वाले बिकरू कांड के बारे में आज एडीजी प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश ने बड़ी ही उत्साहजनक बातें कही हैं। कहा है कि पुलिस की कार्रवाई इस मामले में नज़ीर बनेगी। हालांकि कल ही रात फरीदाबाद से वह अपने दोस्तों के साथ निकल भागा है, लेकिन यह नज़ीर कब बनेगी अभी तो मालूम नहीं। लेकिन घटना के 5 दिन से करीब करीब थोड़ा ज़्यादा हो चुका है और प्रदेश की हालत ये है कि पुलिस उसका इनाम 2.5 लाख से 5 लाख कर चुकी है। आप सुनते होंगे फेलोशिप के लिए, इसके उसके लिए, अच्छे कामों के लिए इनाम दिया जाता रहा है, लेकिन अब पुलिस पहले भी इनाम देती थी, अब भी इनाम दे रही है, लेकिन रोज़ की रफ्तार जो है इनाम बढ़ाने की वह अद्भुत है। यानी पुलिस के हाथ कुछ भी निकल नहीं रहा है और पुलिस अपनी सिक्योरिटी के तौर तरीकों को मजबूत करने की जगह वह इनामी राशि बढ़ाती जा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि इनाम के लालच में, 5 लाख रुपए की लालच में कोई उसे बता देगा। हालांकि ये पता नहीं कौन सा विज्ञान है, कौन सी कथा कहानी है जिससे ये पकड़े जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं पकड़ा गया है और लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। इस बीच हमने उसके दाहिने बाएं हाथ कहे जाने वाले जय वाजपेयी के घर जंजवार गया। घर के पास एक बगल में एपी सिंह का घर है। एपी सिंह, जय वाजपेयी, जो कि खजांची कहा जाता है विकास दुबे माफिया, माफिया विकास दुबे का, उस जय वाजपेयी को अब एसटीएफ ने उठा लिया है, पूछताछ कर रही है। लेकिन जय वाजपेयी ने कैसे अपनी रसूख बढ़ाई और कैसे भाजपा ने उसकी मदद की, इस रहस्य को एपी सिंह खोल रहे हैं। वह बता रहे हैं कि कैसे भाजपा ने, भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सुरेंद्र नैथानी, उसके अलावा भाज योमो BJYM भाजपा जनता युवा मोर्चा के लोगों ने जय वाजपेयी के पक्ष में खड़े हुए, कैसे गुंडागर्दी को सह दी और उस समय के तत्कालीन SP जो कि आजकल STF में है अनंत देव सिंह, उनकी भी भूमिका संदिग्ध रही, थानेदारों की क्या स्थिति रही, इस पूरी कहानी को अब तक BJP ये कहती है कि नहीं साहब, यह गुंडागर्दी सपा बसपा के समय में बढ़ी, लेकिन विकास दुबे, जय वाजपेयी और इनके तमाम गुर्गों को कैसे BJP ने समय रहते साथ दिया, कैसे हाथ दिया और थाना पुलिस से लेकर नेतृत्व तक ने मदद की इनकी गुंडागर्दी बढ़ाने में, आप जरा एक बार एपी सिंह को सुनिए। एपी सिंह के बच्चों की सुपारी दे दी गई थी जय वाजपेयी के द्वारा, बावजूद BJP के तत्कालीन जिला अध्यक्ष, माफ करिएगा, प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नैथानी साथ दे रहे थे, भाजयुमो का अध्यक्ष साथ दे रहा था। और इस पूरी कहानी को एपी सिंह अपने मुंह से बता रहे हैं, कैसे मेरे बच्चे को सुपारी दे दी गई, कैसे मुझे थाने में रखा गया और किस तरह से गैर कानूनी ढंग से पुलिस वालों ने धमकियाँ दी और ये सब कुछ किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जय वाजपेयी पुलिस वालों को अपने घरों के अलग अलग, उसने घर बना रखे हैं, कोठे बना रखे हैं, उसमें ठहराता है, ज़्यादातर को मुफ्त में, कुछ को किराए पर, यह उसका बिल्कुल अजीब धंधा है, धंधा फैलाने, मतलब पुलिस को अपने साथ मिला लेने को, कोऑप्ट कर लेने का यह एक अद्भुत प्रयोग है उत्तर प्रदेश के माफियाओं, गुंडों और हिस्ट्री सीटरों का, जिसमें पुलिस को ही अपना एकदम से मेहमान बना लेते हैं। खैर, एपी सिंह आपको बताएंगे, हमारे संवाददाता वहां पहुंचे थे और एपी सिंह ने विस्तार से अपना तकलीफ कहा और बताया कि कैसे जय वाजपेयी विकास दुबे के जरिए बढ़ता रहा और एक छोटा सा आदमी पिछले 5 से 6 साल में अरबपति हो गया है। फिलहाल जय वाजपेयी STF के शिकंजे में है, एपी सिंह अपनी तकलीफ कह रहे हैं। दिनांक 14 मार्च को 12:30 बजे नजीराबाद SO निर्मला कुमारी और बजरिया SO RC मिश्रा के साथ में 6 थानों की पुलिस ने इनके इशारों पे, किसके, यही वाजपेयी परिवार के इशारों पे, मेरे यहाँ बगैर किसी वारंट, किसी अभियोग, किसी घटना के घर पे जो है घुस के तोड़फोड़ की, लूटमार की, पैसे रुपए गहने उठाए। उसके बाद मैं और मेरी वाइफ थी, मेड थी, उसको जो है, मतलब वाइफ ने पूछा तो वाइफ को बगैर किसी महिला पुलिस के उनके पहले गिरा दिया धक्का दे के, उसके बाद डंडा मारा पाँव में
और अच्छा चाचा, हमने सुना है कि ये जय वाजपेयी जो था, ये जो पुलिस के अधिकारी आते थे, इनको अपने कमरे देता था जो है उठने बैठने और रहने के लिए। हाँ, ये जय वाजपेयी के इन मकान में तमाम पुलिस वाले रहते थे। मैं इस बात के लिए गया भी था कि ये पुलिस वाले हमारे नजीराबाद क्षेत्र के हैं और उसके बाद ये लोग जो है हमको फंसाने के लिए व्यर्थ में इस तरह की वो कर रहे हैं, क्योंकि बिजली चोरी का, KDA का और नगर निगम के सब जगह फर्जी शिकायतें करके। मकान भी जय वाजपेयी के शहर में कई जगह हैं। अब मुझे उनकी संपत्ति की तो डिटेल नहीं मालूम है। पुलिस अधिकारी रहते थे। हाँ, लेकिन पुलिस अधिकारी अभी भी रहते थे हैं? अभी भी रहते। हाँ, और मैंने कहा भी SP पश्चिम से, तो उनका कहना है वो सब किराया देते हैं, आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों परेशान हैं, वो किराए देते हैं, रह रहे हैं, ये कोई वो नहीं है कि पुलिस को कोई किराए पे नहीं दे सकता। हमने कहा उसी थाने के हैं, उनका फेवर करते हैं। बोले वो तो हर आदमी इस तरह से अपने पेशबंदी करता है। तो मैंने कहा मैं किस बात की पेशबंदी कर रहा हूँ, मैं कोई ना अपराधी हूँ, मेरा आप रिकॉर्ड देख लीजिए। बोले पुलिस के पास यही कोई काम नहीं है, है? और CCTV तोड़ दिए। हाँ, वो CCTV के लिए दिक्कत थी। अच्छा, उसके बाद में वहाँ रात में इन ये लोग भी गए, कुर्सियों में बैठे, और मुझको हवालात में पुलिस ने ले जाके डाल दिया अधो वस्त्रों में, और इनकी पैरवी में भाजपा के तमाम नेता गए। कौन कौन से, कोई नाम है सर? तत्कालीन अध्यक्ष ही गए थे। तत्कालीन अध्यक्ष मतलब भाजपा के कौन? मैथानी जी, सुरेंद्र मैथानी जी। हाँ, और इन सब ने उनको कई लोग, मैं तो अंदर हिरासत में था, मुझको इन्हीं लोगों ने बताया कि वो सब आए इनकी पैरवी करके ले गए। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि मतलब ये भी नहीं पूछा कि दूसरा पक्ष कौन है, हैं? और बाद में मुझको सवेरे पचौरी जी के लड़के अनूप जी को पता चला, उन्होंने भेजा, तो उनका फोन पचौरी जी का काट देते रहे सो, क्योंकि उनका ऊपर से आदेश है कि हाँ, और मुझको रात भर टॉर्चर करते रहे कि लड़के को लाओ, एनकाउंटर करने के लिए कहा गया था मुझे। अच्छा। तो बाद में मुझे ये मालूम पड़ा कि एक मित्र हमारे गए थे तत्कालीन SSP के पास, तो उन्होंने भी उनसे यही कहा कि अरे वो तो बड़ा वैसा परिवार है, सफेदपोष बदमाश लोग हैं, और आप हमारे परिवार के लिए, बोला। हाँ, तो उसके बाद में हमको दाएं बाएं से किसी ने कहा कि सुपारी दी गई थी तत्कालीन अधिकारियों को कि इनके एक लड़के का एनकाउंटर कर दो। आपके? हाँ, आपके लड़के? हाँ, और अच्छा, मतलब आपके लड़के के लिए सुपारी दी गई। हाँ, और मुझे रात में SP पूछते रहे, SP साउथ ने तो ये कहा, और डॉक्टर ग्रोवर जो दूसरा SP था, कि लड़के ना मिले तो इन्हीं को उन सबकी सजा दे दो। अच्छा सर, कब की बात है ये? उसी 14-15 मार्च की रात की बात है, जिस दिन शाम को इन्होंने 18 हैं वो। अच्छा, सबसे अफसोस की बात, सारी चिट्ठियां, सारे पत्र, सारी डिटेल मैंने मुख्यमंत्री, DGP हैं, पार्टी अध्यक्ष, पार्टी महासचिव, यहाँ सब जगह दिए, परंतु इनका प्रभाव इतना था, लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसा है, मुख्यमंत्री तक उसका नाम लेके पुकारते हैं जो उनकी पैरवी कर रहा है, और उप मुख्यमंत्री उसके कहे पे दौड़े चले आते हैं, और उसी ने इनका सबसे परिचय कराया है। हाँ, प्रमोद विश्वकर्मा ने, और उनके रहते विश्वकर्मा कौन है सर? ये इनका प्रमोशन हो गया, पहले ये डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष थे, अब जो है प्रदेश मंत्री हो गए हैं। अच्छा, इनके साथ में इनकी के? हाँ, नहीं, युवा मोर्चा के, BJYM, हाँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा। हाँ, और इनके और जो साथी लोग थे हैं, वो भी सब प्रमोट हो गए इस अच्छे कामों में, हैं? क्योंकि एक तो उन्होंने अच्छा, ये जय वाजपेयी ये कब से फल फूल रहा है, कितने साल से होगा सर ये? हाँ, ये 6-7 साल से, 6-7 साल से हो रहा है। हाँ। जो व्यक्ति कुछ साल पहले तक सामान्य सा पंचर बनाने वाला व्यक्ति था, वह उसका भाई रजय वाजपेयी एक पान की दुकान लगाता था, चाय की दुकान लगाता था, वह कुछ ही वर्षों में, महज 7 वर्षों के अंदर ही अकूत संपत्ति के मालिक हो गए। जिस जगह कानपुर के जिस जगह दोनों भाई रहते हैं, वो कानपुर की सबसे बड़ी, उस मोहल्ले की सबसे बड़ी बिल्डिंग बताई जा रही है,
सबसे भव्य इमारत बताई जा रही है वो उस बिल्डिंग को, और कहाँ यहाँ तक जा रहा है कि जो जय वाजपेयी है वह आरोपी कुख्यात विकास दुबे का खजांची कैसियर हुआ करता था, वह विकास दुबे की काली कमाई को इधर से उधर खपाने का काम किया करता था, 2% ब्याज की दर पर विकास दुबे के पैसे को लिया करता था और उसके बाद उसको उस पैसे को आगे 5% 7% जो जैसा कस्टमर मिलता था उस हिसाब से उसको उस पैसे को खपाया करता था वो।